मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और दुर्गा पूजा बहुत अच्छे से बिताया है। तो आज मैं हूँ ITC रॉयल बंगाल में और ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है ITC रॉयल बंगाल का, पर पहले भी एक बार आ चुकी हूँ पर एक इवेंट पर्पस में आई थी तो इतना ज्यादा ना ही एक्सपीरियंस कर पाई इस होटल को और ना ही कुछ एंजॉय कर पाई। तो आज एक दिन के लिए हम यहाँ पे स्टे करेंगे और वैसे भी मेरा एक इंस्टा शूट है तो इसके लिए मुझे होटल बुक करना था तो हमने ITC बुक कर लिया है, क्योंकि यहाँ का जब मैं कोलकाता में थी तो मुझे बहुत मन था कि यहाँ पे एक दिन आए, कभी हम आए लंच करें या डिनर करें, पूरे होटल को हम देखें। तो आज मौका मिला तो आज आ गए। तो चलिए आपको सबसे पहले मैं रूम का एक टूर दे देती हूँ और आज पूरा दिन आप लोग मेरे साथ रहेंगे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। ITC रॉयल बंगाल में तो ये है हमारा एंट्रेंस और उसके बाद यहाँ पे लगेज रखने का है सेकंड वॉशरूम और यहाँ पे आते ही हमें मिलता है एक लग्जरियस वॉशरूम। यहाँ पे बथटब है, यहाँ पे बेसिंग का पूरा मतलब मिरर पूरा सेट है, एक वैनिटी काइंड ऑफ, और ये है शावर लेने का मतलब एक छोटा सा स्टीम रूम टाइप सा बोल सकते हो। और ये मुझे बहुत ये कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा लगता है ताकि अगर अंदर आप नहाते हो तो बाहर पानी ना आ जाए और कोई स्लिप खा के गिर ना जाए। तो बाय द वे ये है वार्डरोब, वार्डरोब का सारा सामान इसके अंदर शायद होगा, आयरन वगैरह सारी चीजें यहाँ पे मौजूद है। अच्छा यहाँ पे ड्रायर है क्या? एक्चुअली मैंने देखा नहीं है ड्रायर की, मुझे सख्त जरूरत पड़ती है हमेशा। हाँ ड्रायर है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे अंदर जाते ही आपको मिल जाएगा एक फुल मिरर और ये शायद है मिनी बार। यस मिनी बार बहुत अच्छा है, मतलब अभी तक के जितने भी होटल में मैं रह चुकी हूँ ना तो वहाँ पे मिनी बार एक्चुअली अलग टाइप के होते हैं। यहाँ पे पूरा एक यूनिटी दिया गया है मिनी बार के लिए और यहाँ पे मिथुन आर्यन एक साइड में शिफ्ट हो गए ताकि बेड खराब ना हो और मैं आपको जब दिखाऊं तो बेड कुछ मिस ना लगे। थैंक यू सो मच। छोटा सा सोफा है, एक मिरर है, मिरर मतलब चारों तरफ है और ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंट ये जो ग्लास है तो ग्लास पार्टीशन को कवर करने के लिए एक ब्लाइंड भी है। चेयर है, टेबल है, कोई अगर आपसे मिलने आते हैं रूम में तो आराम से वो मीट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे एक स्टडी टेबल है जो कि हमें बहुत जरूरत पड़ने वाली है। एक्चुअली जब होटल में जाते हैं ये स्टडी टेबल हम लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि किसी न किसी काम की वजह से जाते हैं हम। और यहाँ पे बैठ के लगभग आधी रात तक मिथुन काम करते रहते हैं और यहाँ पे तो मैं और आर्यन हम दोनों सोते रहते हैं। और यहाँ पे दो बेड हमें नहीं मिला बिकॉज दो बेड कंप्लीट मतलब एकदम से सिंगल बेड है, जहाँ पे आर्यन अकेले तो सो पाएगा पर दूसरे में मैं और मिथुन हम दोनों एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा कुछ उन लोगों ने बताया। तो इसलिए एक फुल ले लिया, अभी देखते कैसे सोए, पर तीनों को एटलीस्ट एक रात के लिए हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। साइड टेबल वगैरह है, वॉल डेकोर भी बहुत अच्छा है। और ये रोड साइड है ना मिठुन? वैसे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है इसमें से क्योंकि इसके नीचे और एक फ्लोर है तो इसका रूफ जो है वो दिखाई दे रहे हैं। टीवी, बस एक रूम में रहने के लिए और क्या चीजों की जरूरत होती है, जो सब चीजों की जरूरत होती है वो लगभग सारी चीजें यहाँ पे दिया गया है। और मुझे ये स्टडी टेबल एक्चुअली बहुत पसंद आया क्योंकि ये जो चेयर है काफी कम्फर्टेबल है, यहाँ पे बैठ के आप घंटों तक काम करो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट लेके पहले वीडियो शूट कर लेते हैं और उसके बाद थोड़ा सा अगर पूल जाना है तो थोड़ा स्विमिंग पूल में एंजॉय करेंगे, थोड़ा लंच को एंजॉय करेंगे, सारी चीजें एंजॉय और एंजॉय करना है। सो गाइस अभी टाइम हुआ है 4:30 बज गए एक वीडियो शूट होने में और अभी तो कहीं पर भी हमें कोई लंच नहीं मिलेगा तो इसलिए अभी हम जा रहे हैं दार्जिलिंग लॉन्च पे। तो वहाँ पे कुछ फूड मतलब फास्ट फूड टाइप शायद कुछ मिलेगा, शायद मेन कोर्स कुछ नहीं मिलेगा तो वही खा के आएंगे। जो मैं शूट करने के लिए थोड़ा सा बाहर गई थी, अमेजिंग है यहाँ का इंटीरियर, अमेजिंग है, वीडियो शूट या फोटो शूट के लिए तो एकदम परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर कर लिया है छोटे पोर्शन का राइस, छोटे एक बाउल चिकन ऐसा कुछ। तो भूख इतना ज्यादा लगी है तो अभी आधा घंटा टाइम लगेगा ऑर्डर करने के बाद। तो फिलहाल तो पापड़ को थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, बहुत ज्यादा भूख लगी है। इतनी खूबसूरती के साथ ये जगह को डेकोरेट किया गया है कि मैं शूट किए बिना रह नहीं पाई। Van,
यहाँ पे एक बहुत अच्छा फाउंटेन टाइप से जहाँ पे खड़े होके हर कोई फोटो खींच रहा है। के टाइम में बहुत सारे लोग वैसे ही मतलब लंच के लिए चल आए हैं फैमिली के साथ, तो यहाँ पे खड़े होके इतने सारे लोग सुबह से देख रहे होंगे फोटो खींचने की आपको टाइम ही नहीं मिलेगा। और मैं अभी फोटो खींचने के आउटफिट में भी नहीं हूँ जिसके आज मैं नहीं खींच वाली, तो बस यहाँ पे जो स्पेशल इंटीरियर्स किया गया है तो वही सारे आपको दिखाने की कोशिश कर। स्पेशल इंटीरियर्स नहीं मतलब दुर्गा पूजा पर्पज में कुछ स्पेशल डेकोरेट किया गया है कॉर्नर कॉर्नर पे, तो वो चलिए तो सर दुर्गा पूजा वाले भाई के लिए, तो चलिए आपको दिखाते हैं। इस तरीके की जो डेकोरेशन है ना ये एक्चुअली वो पूजा वाला फीलिंग देती है, बहुत अच्छा लगता है उस कॉर्नर पे भी रहे थे। और इस तरह के छोटे छोटे छोटी जगह पे मतलब छोटे छोटे कॉर्नर पे थोड़ा सा पूजा वाला वाइब है, तो इसके थोड़ा सा फील कर रही हूँ कि हाँ पूजा हो रहा है। और अदरवाइज आउटसाइड में इतना ज़्यादा वेदर खराब है, आप बाहर निकलो तो इतना बारिश हो रही है मतलब कभी भी बारिश हो सकती है, इसलिए डर लग रहा है पैंडल हॉपिंग करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, तो आज है नेक्स्ट डे और आज तो हम चले जाएंगे और आज थोड़ा जल्दी भी है क्योंकि जी बांग्ला का एक इवेंट है उसे भी ज्वाइन करना है, तो इसलिए आज जल्दी जल्दी यहाँ से ब्रेकफास्ट करके फिर हम चले जाएंगे। तो कल रात आर्यन ने इतना कीक मारा कि आर्यन और मिथुन यहाँ पे सो रहे हैं, मैं यहाँ से उठ के चली गई और वो सोफे पे मैं अपने आपको एडजस्ट कर लिया है क्योंकि सोफे में बहुत शांति से मैं मिडनाइट से लेके सुबह तक सोई, पर आर्यन और मिथुन के बीच में सोना जस्ट इम्पॉसिबल। आर्यन यहाँ पे सोया हुआ था, बीच में मैं यहाँ पे मिथुन थे, शिफ्ट होके मुझे उठाया, फिर ऐसे जाते गए और फिर मिथुन को उठा दिया। मिथुन अर्ली मॉर्निंग उठ के फिर ऐसे वॉक करने लगा पूरे रूम में। सो गाइस अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट के लिए और यहाँ पे जो डेकोरेशन है ये आप देखो कितना खूबसूरत है ना, यहाँ पे दिवाली गिफ्टिंग ऑप्शन भी लगा है। अच्छा ऐसे फ्री में दे देंगे क्या? नहीं नहीं फ्री में नहीं। अच्छा अच्छा, तो ये सामने है दार्जिलिंग लाउंज जहाँ पे हम कल लंच किए थे और इसके पीछे से जाना पड़ेगा ब्रेकफास्ट के लिए। ब्रेकफास्ट हाँ पैविलियन। अच्छा इसका नाम तो मैंने पहले भी सुना था। वाओ यहाँ पे अलग अलग से काउंटर बनाया गया का टाइम भी हो चुका है, तो अभी आएंगे लोग सामान लेके जाएंगे और इस रूम को भी हम बाय बाय करेंगे। कल इवनिंग बहुत ज्यादा एंजॉय किया, मुझे जिंदगी भर याद रहेगी। मतलब मुझे गाना फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज्यादा पसंद है और स्पेशली अरिजीत सिंह का गाना, और वही सारे गाना मैक्सिमम वही सारे गाना वहाँ पे चल रहा था लाइव में, मुझे इतना अच्छा लगा इतना मजा आया मैं आपको बता नहीं सकती। और बिल्कुल अंधेरा था ना तो इसलिए आपके साथ कुछ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि कैमरा में कुछ आता नहीं है उस तरह से। तो मैडम चलिए आज इस वीडियो को भी हम यहीं पे एंड करते हैं। तो ऑल ओवर जो एक्सपीरियंस था मेरा वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा लगा। एंड या नेक्स्ट टाइम जब आएंगे तब मेरा प्लानिंग है कि इस बार हम JW मैरियट ट्राई करेंगे कोलकाता का। ITC भी एक बार ट्राई करने का बहुत मन था, तो जब मेरा वीडियो शूट करना ही था और जब कोई होटल बुक करना ही था तो क्यों ना ये करें, इसका एक्सपीरियंस भी ले लेंगे। और इसलिए सोचा है कि नेक्स्ट टाइम हम कोलकाता का JW मैरियट का थोड़ा सा एक्सपीरियंस लेंगे, इस तरह से आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो चलिए अभी टाटा बाय बाय एंड टेक केयर। I think I like it how it is.